हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज एक हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है बाजरे और पालक का डोसा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ ले लिया है बोल, उसमें डाल रहे हैं 2 कप बाजरा। तो ये रेसिपी है 8 लोगों के हिसाब से है, 4 लोगों के हिसाब से आप बना रहे हो तो रेसिपी को हाफ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया सबसे पहले 2 कप बाजरा और आधा कप काली मसूर की दाल और साथ में 2 चम्मच मेथी दाना। इसको डाल के हम सोक करने के लिए रखेंगे, तो सोक आराम से ओवरनाइट कीजिए, 5 से 6 घंटे टोटल इसे सोक करना है हमें। तो आप चाहे पहले वॉश कर लीजिए या जब इसे पीसो उससे पहले अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकते हो। तो ये देखिए, अभी हमारा जो है अच्छे से हमारा बाजरा जो है सोक हो गया है। जैसे बाजरे की चपाती, खिचड़ी, ये सब आपने बहुत खाई होगी, बट आज एक यूनिक रेसिपी, आई होप सो बहुत सारे लोग बनाते होंगे या जो नहीं बनाते उनके लिए एक नई रेसिपी है यहाँ पे बाजरे का डोसा। विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप इसे चाहे नॉर्मल ऐसे ही पीस लीजिएगा थोड़ा पानी डाल के, या आप पालक भी ले सकते हो थोड़ा सा इसको और हेल्दी बनाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा पालक और डाल रही हूँ। पालक की क्वांटिटी आप थोड़ी बहुत कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैंने रफली अंदाजे से ले लिया है। तो बस इसको पीस लिया, चाहो तो थोड़ा सा दही डाल के आप पीस सकते हो, मैंने कुछ भी नहीं, नॉर्मल पानी के साथ ही। दही से डालोगे तो और अच्छा थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, जैसे नॉर्मल डोसा बनता है बस वैसे ही है। तो दूसरा बैच भी यहाँ पे मैंने पीस के रेडी कर लिया है, इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे हैंड टू हैंड बना सकते हो, नमक डालो और बना लो। मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ्रेगमेंटेशन के लिए छोड़ देती हूँ, 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो ये हमारा जो बैटर है वो फ्रेगमेंटेशन हो चुका है। इसको मिक्स करके यहाँ पे हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है नमक डालेंगे, ठीक है। बट नमक डालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पालक होता है, पालक के साथ थोड़ा सा जो नमक है ना कम जाता है। आप विदाउट पालक के भी बना सकते हो, पीसते टाइम पालक मत डालिए, सिंपल बन जाएगा बट डेफिनेटली बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और पानी ऐड कर दिया है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। इतने कंसिस्टेंसी का मुझे बैटर चाहिए था तो मैंने ये देखिए बना लिया है। यहाँ तभी को यहाँ पे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल और थोड़ा सा डालेंगे पानी, क्योंकि इसको एक बार अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं और बार बार थोड़ा सा पानी इस तरह से बबल्स आने चाहिए। इट मीन्स आपका गर्म हो गया, मैंने इसको क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे डाल रहे हैं डोसे का बैटर। कोई सा भी तवा यूज़ कर रहे हो, कास्ट आयरन का, लोहे का, जो भी, मतलब आप नॉन स्टिक का पैन, दो कोई सा भी। एक डिफरेंस बता देती हूँ, जो हम कास्ट आयरन के तवे पे डोसा बनाते हैं उसके टेक्सचर में और नॉन स्टिक के तवे पे बनाने में बहुत अंतर होता है। कंपेयर टू वो ज़्यादा क्रिस्पी लगता है और ये जो मार्केट स्टाइल दिखता है ना वो उसी तवे पे आपको दिखता है। अब यहाँ पे साइड में और ऊपर थोड़ा सा घी लगा देते हैं, घी या तेल वो कुछ भी आपको लगाना है वो लगा लीजिए। फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ, उसके बाद जितने भी डोसा बनाऊंगी कोई भी तवे पे ना पानी, घी, तेल, मतलब किसी भी चीज़ के मैं छींटे नहीं डालने वाली हूँ। बस सिम गैस पे हमें उसे कुक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे आलू की फिलिंग ताकि बच्चे थोड़ा सा खा लें उसको। आप और हेल्दी वे में जा रहे हो अपनी मर्जी से यार, जितने भी डोसे होते हैं चीज़ का या हाँ कोई भी फिलिंग आप नॉर्मल डोसा बनाते हो उसके अंदर फिलिंग लेते हो आप वो ले सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, एक तो आपको दिखा देती हूँ बन गया, एक बार आपको लोहे के तवे वाला भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लोहे के हमारे तवे पे बन रहा है डोसा। शुरू शुरू में लोहे के तवे पे डोसा एक एक या दो खराब हो भी सकते हैं। ये देखिए, इसका टेक्सचर और उसका टेक्सचर आप देख चुके हो, कलर में भी डिफरेंस है। बस स्लो फ्लेम पे आपको कुक होना है, अपने आप ये छोड़ने लग जाता है, बस ये ध्यान में आपको रखना है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, क्रिस्पीनेस आप इसका देख सकते हो, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।